हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। सुबह सुबह अभी मैं उठ चुकी हूँ, बहुत ही जोर जोर से बारिश दे रही है। ये देखो, इतना जोर जोर से बारिश दे रही है, बाप रे, अभी निकलना ही मुश्किल हो गया। पूरा चारों तरफ जो है पानी एकदम जमा करके रख देता है। तो वो देखो ना, इतना ज़्यादा बारिश दे रहा है। लेम्बो जो है सुबह उठते ही वो चला गया है जिम के ओर, तो मुझे जो है अभी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेश अप होना पड़ेगा। पता नहीं बाथरूम पे भी पानी खत्म हो गया, लाइट तो है। अभी जो है मुझे वहाँ हैंडपम्प को जाके जो है थोड़ा उठाना पड़ेगा पानी वगैरह, फिर उसके बाद जो है हम लोग का बाथरूम पे पानी आ जाएगा। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी पूरा खाली हो चुका है, इसमें जो है मुझे पानी लेके आना पड़ेगा। तो जब वो मोटर को ऑन करूँगी वहाँ पे पानी आ जाता है, फिर वहाँ से मुझे यहाँ तक उठाना है पानी। पर थोड़ा सा संभाल के करना पड़ेगा, देख सकते हो पूरा इधर पे जो है पानी ही पानी, तो रास्ता एकदम स्लिपरी है, थोड़ा सा संभाल के करना पड़ेगा। और दीदी का तबीयत जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी मुझे बस लेम्बो के लिए, मेरे लिए और रितु दीदी के लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले घर के कामों को जो है निपटा लेती हूँ, एम फ्रेश अप होके फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पूरा इतनी जोर जोर से बारिश दे रही है, बाप रे, कैसे निकलूंगी। अभी हैंडपंप पे जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ लगती है, तो कोई बात नहीं, वो सब जो है वीडियो बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ होगा ऐसे कैमरे को पकड़ के, थोड़ा मुझे चलने में थोड़ा तकलीफ होगा। तो बाद में जो है मैं फ्रेश अप होके फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। पूरा इतनी जोर जोर से बारिश आ रहा है, रात भर पूरा बारिश ही बारिश हो रही है, कल से अभी तक रुका ही नहीं, देख सकते हो। आज पता नहीं कैसे रह पाएंगे, दिन में कुछ भी करने को है नहीं। अभी मैंने मोटर को भी ऑन कर दिया है दोस्तों, तो फटाफट पानी वगैरह जो है उठा लेती हूँ। अभी थोड़ा बारिश भी रुक गई है, बाप रे, फिर भी हवा बहुत आ रही है, तो जल्दी करना पड़ेगा ये कामों को निपटा के जो है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। मैंने फ्रेश अप भी हो लिया है दोस्तों, जैसे घर का ऊपर में पानी वगैरह उठा दिया ना, बारिश पूरा रुक गई है। ये देखो अभी बारिश नहीं दे रही है, और मम्मी भी आ चुकी है, मानवी को पहुंचाने के लिए गई थी, क्योंकि मानवी का जो है एग्जाम चल रहा है, उसके वजह से ज़्यादातर यहाँ पे रख नहीं पाएंगे। तो उनका जो मम्मी है वो पढ़ाई के लिए सिखाना पड़ता है ना, तो हम लोग का बात तो उतना सुनता ही नहीं मानवी। अभी बस मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लेम्बू भी आता ही होगा, 8 बजे को छुट्टी होता है जिम से उसका। एंड मम्मी ने यहाँ पे ये वाले साग को जो है वॉश करके रख दिया है। ये वाले साग को पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं हर मोचाक। एक्चुअली ये दवाई का भी काम होता है और सब्जी का भी, दोनों में। तो इसको पकाने के लिए जो है यहाँ कढ़ाई पे मैंने दे दिया है ड्राई फिश, डेली जैसे खाते हैं वैसे ही है ड्राई फिश, थोड़ा सा मिर्च और नमक। इसे डायरेक्ट बॉयल भी नहीं, ड्राई फिश के साथ जो है हम लोग का इससे बॉयल चलता है। और यहाँ पे चावल भी दे दिया, और कल का, कल बर्थडे में जो खाए थे वो सब्जी भी है। ये देखो मछली है थोड़ा, एंड यहाँ पे आलू का सब्जी थोड़ा है। कढ़ाई थोड़ा सा जल गया, इसको जो है स्टील से वो माचना पड़ेगा। बस हो जाएगा ब्रेकफास्ट में, तीन चीज़ों से तीन सब्जियाँ है, बस इसको पका लेती हूँ। वाह, फिर से दे रही है, रुक गया बोल रही थी, अभी फिर से दे रही है। क्या जिंदगी आ गया, बाप रे बाप। बारिश जोर से आ गया, इसलिए मैंने पानी लाने के लिए नहीं, हाँ, तालाबाती हो सब हाँ, किया है। हाँ, तो जोर से आ गई। हाँ, मम्मी ने सुबह उठते ही जो है वो कल का बर्तन वगैरह को वॉश कर दिया था, फिर उसके बाद जो है इतना जोर से बारिश आया, उसके वजह से मम्मी ने वो हैंडपंप से पानी उठाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग का हैंडपंप में पानी उठाते उठाते अगर यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं करोगे, फिर से पानी जो है अंडर चला जाता है। एकदम फटाफट से जो है हैंडपंप को उठा के पानी यहाँ पे ऑन करना पड़ता है, फिर आता है हम लोग का ये मोटर पे पानी पाइप पे। तो बस हो गया है, घर का ऊपर में तो पानी वगैरह सब रख दिया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, यहाँ पर साग को जो है मैं सूखा सूखा करके पका रही हूँ दोस्तों। फिर जो कल का सब्जी है यहाँ पे मिक्स सब्जी, इसे थोड़ा गर्म करूँगी। तो ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है, सारे सब्जी वगैरह मैंने पका दिया है। एंड यहाँ पे फिर से लेम्बू के लिए जो है दाल बॉयल कर रही हूँ, प्याज दे के, थोड़ा सा नमक दिया, प्याज दिया, बस तो हो गया। अभी इसको जो है बॉयल कर देती हूँ, इसमें मैंने तेल नहीं दिया है, ओनली बॉयल। ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है दोस्तों, अभी बस हम तीनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी और मानवी ने जो है सुबह में वो ब्रेकफास्ट कर लेता, फिर भी रख देंगे मम्मी के लिए। तो अभी हम तीनों जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, दीदी को जो है जल्दी दवाई लेना पड़ेगा ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलो पतलू ले लो, जो भी बोला पतलू, अभी बॉडी बिल्डर बोलो। हाँ, बॉडी बिल्डर है।
सदर सदर हाल को हैके के दे हाल आस्ते में इसको हैके बोलूंगी। मेरा जो बहन का जो छोटा बेटा है वो सदर जो हमेशा कहता है हाल को हैके ला दो हैके बोलता है। हमने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है, मम्मी भी आ चुकी है और यहाँ पर पूरा देखो मम्मी ने अंगूर निकाल दिया है। कहाँ इस रूम पे था मम्मी पूरा याद करके अंगूर था अंगूर खाएंगे बोल रही है। और यहाँ पे मेरे दूध को गर्म कर रही हूँ, लम्बो जो है समीर भैया से दूध लेके आता है, ये वाला दूध को जो है गर्म करके हम लोग पियेंगे। मीठा है हाँ, खिला दो हमें भी एक तू लंबा लंबा वाला है। चलो मीठा है सच में हो जाएगा। बारिश तो नहीं दे रही है दोस्तों, थोड़ा बारिश रुक गई है। हमने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद बापरे फ्रूट वगैरह खाया, फिर उसका जो है सो गए थे। ऐसे एक घंटा भी नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा नैपिंग ली थी, तो अभी जो है लेमो नहा रहा है तो अभी मैं खाऊंगी बनानास। हम लोग का जो बगीचा वाला जो बनानास है उसे वो अभी तक नहीं पका है, मम्मी ने पता नहीं कहाँ से लेके आया। तो वो लोग तो नहीं है, वो लोग जल्दी उठ के जो है पूरा घूमने के लिए गए हैं, क्योंकि बारिश देने से कहाँ जाएंगे ना, इतना बोरिंग लगता है। मैं तो मूवी देख देख के बस थोड़ा सा रहती हूँ यूट्यूब पर, फिर उसके बाद अपने आप इतनी नींद आती है। तो और कहता है ना वो प्रेग्नेंट लेडी होकर वो ऐसे नींद आ जाता है, तो पता नहीं मेरा ऐसे आदत हो गया थोड़ा सा, अगर मैं मूवीज वगैरह देखूंगी मोबाइल जो है अचानक से मेरा मुँह पे गिर जाएगा, हम सो जाता है। ऐसे होता है ज्यादा मोबाइल पे मैं ना वो टाइम पास के लिए मैं मूवीज वगैरह देख नहीं पाती, एक घंटा भी देख नहीं पाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा देखूंगी 15-20 मिनट बस, फिर उसका अपने आप नींद आ जाता है मेरा। तो अभी लम्बो जा रहा है जंगल की ओर सब्जी वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि बारिश में ना बहुत ही ज्यादा मशरूम निकलता है। तो कल फ्राइडे मार्केट भी है, देखते हैं मार्केट में मिलता है कि नहीं। लम्बो को तो सुबह सुबह जाना पड़ता है जिम पे, हम लोग का घर पे जो है दीदी का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो सुबह सुबह कौन जाएगा मार्केट पे। इसलिए मैंने लम्बो को बोल दिया है कि जंगल जाओ अच्छा होगा, वहाँ पे सब्जी मिलेगा। और काबुचे को ढूंढ रही हूँ, उसका चेन भी ले लिया है, कहाँ गया उसको जो है बांधना पड़ेगा, नहीं तो लम्बो को देख के जो है वो भी चला जाएगा। तो अभी मानवी लोग का वहाँ पे जा रही हूँ उधर में ढूंढने के लिए। ये काबुचे बहुत घूमते रहता है बापरे। अभी मानवी लोग का घर से भी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर दोस्तों, पर काबुचे मिला ही नहीं, यहाँ पर जो है बस लेते ही है। ये देखो ये तो पूरा मजे से सो रहा है। और अभी मुझे फिर से मूसा लोगों का वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो शायद वहाँ पे रहेगा काबुची। फिर भी बहुत टेंशन रहता है ना आजकल, इधर उधर घूम रहा है ज़्यादा। अभी पता नहीं इतना चिल्ला रहा है हम लोग काबुची काबुची ऐसे बोल बोल के पूरा थक भी चुकी हूँ। अभी बस मूसा का वहाँ पे देखूँगी, अगर वहाँ पे मिलता है तो पूरा पकड़ के लेके आऊँगी। बापरे अभी घर में कोई भी नहीं है, लम्बो भी चला गया वो जंगल पे, मम्मी भी गई है वो आंटी का वहाँ पे। फाइनली मिल चुका है, ये देखो हम लोग का बटमास, पूरा बेल भी खुला था। अभी इसको बेल को जो है मैंने अच्छे से टाइट कर दिया। चलो इधर में एक छोटा सा पप्पी है, इसी के साथ वो खेल रहा होगा। चलो चलो उधर में छोटे छोटे मुर्गियाँ है, देखो देखो है गाबुचे। बाप रे गाबुचे इतना हरामी है, पूरा मेरा सामने में पूरा मुर्गी को जो है तारक एटेक कर दिया। बाप रे बाप इतना बदमाश है, पूरा मेरा सामने में जो है मुर्गी को डायरेक्ट वो अटैक किया था। तो अभी इसका चेन वगैरह लेके आती हूँ, इसको जो है मैं बांध के रखूंगी। बदमाश है बदमाश, कुछ भरोसा नहीं है इसका, फिर से हम लोग को भी नुकसान पहुँचाएगा, अंकल लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ पे है उसका चेन, अभी बांध के रखती हूँ। इतना अजीब, कहाँ गया फिर से कहाँ गया गाबुचे। देखो चेन पकड़ के आ चुकी हूँ, आ जाओ। अभी फाइनली बांध दिया है दोस्तों, और मेरा उंगली से पूरा खून आ रहा है, चेन में लग गया। इतना बदमाश है तू, हाँ तू इतना बदमाश है, आ जाओ। अभी तेरा जगह पे जो है बांध के रखना पड़ेगा, तेरा कुछ भरोसा नहीं है। अभी बांध के रख दिया है, पर ये देखो ना उसका उल्टा दिमाग वहाँ डायरेक्ट मिट्टी पर रहता है। वो देखो इधर में कंबल वगैरह हम लोग बिछा देते हैं, और उसको जो है बस मिट्टी को वहाँ पे रहना है। गड्ढा खोद दिया वहाँ पे पूरा, देखो अभी रहो, पूरा उंगली से भी खून आ रहा है मेरा। लम्बो आ चुका है, क्या क्या मिला है देखो,
कुछ है, निकालो अनबॉक्सिंग करो। हाँ अनबॉक्सिंग करती हूँ। एक तो हुलो लेके आना पड़ेगा, हुलो का वहाँ पे रखना पड़ेगा। गाबुची का वजह से मेरा उंगली बहुत पेन हो रहा है। गाबुची का ओह लुक, ये इतना मजे से सो रहा है। लुक ये, चलो अभी गाबुचे देखने से जलस होना था। वाओ मम्मी ने पूरा हुलो को जो है एकदम सफा कर दिया। चलो निकालो। वाओ टेरो लीव्स, टेरो लीव्स, जंगली वाला टेरो लीव्स एंड बनाना फ्लावर, बनाना फ्लावर बहुत बढ़िया है, एकदम ताजा ताजा ना। बनाना ट्री, बनाना ट्री। वाओ चटनी खाई और थारा, ताड़ा, जमीन का ताड़ा। कल अगर ये मार्केट से खरीदेगा तो ये कम से कम 100 रुपए का होगा। बहुत बढ़िया है, बस यही है तीन चीज, बाकी कुछ है ही नहीं। तो कल एकदम अंधेरा जाना पड़ेगा मार्केट में। हाँ, 4 बजे को उतना मार्केट में जाके वहाँ से वापस सब्जियाँ यहाँ पे रख के फिर जिम में। हाँ शायद हम लोग का घर पे मेहमान भी आ सकता है। अच्छा अच्छा होगा। हाँ ठीक है, अभी यहाँ से डिनर में पका दूंगी। देखते ही देखते दोस्तों रात हो रही है और बारिश फिर से देगा। इतना जोर जोर से हवा आ रही है ना, और मम्मी जो है आ चुकी है। आज मम्मी डिनर बना रही है, क्या क्या सब्जी पका रही है वो तो पता ही चल गया होगा। वैसे लेम्बो जंगल से वो एकदम ताजे ताजे सब्जी लेके आया है, वहां से मम्मी जो है पका रही है। और मौसम का हालत देख सकते हो, पूरा कैसा हाल हो चुका है। पता नहीं और कितना दिन तक बारिश देगा। ऐसे बारिश देने से बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है, गाँव में रहने से ना ज्यादा बारिश देने से बोरिंग लगता है। जिधर भी जाओ पूरा किचर किचर, कहाँ घूमेगा। और एक तो टीवी खरीदना पड़ेगा, टीवी होने से एक तो सीरियल मूवी देख देख के थोड़ा टाइम पास के लिए ऐसे टाइम पास हो जाएगा हम सभी का। और यहाँ पर देखो मम्मी ने चूल्हे पर जो है आग को जला दिया है सबसे पहले, एंड बेम्बू में वो तेरा लुप्स पका रही है। वाह कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद तुम मिले हो, ये वाला गाना याद आ गया। कहाँ से मिला ये बेम्बू? और क्या बोलेगा, बड़ा भैया का बेटा का घर से। ओ एक्चुअली हम लोग का भैया ही लगेगा वो भी। हाँ तो अभी इसको जो है बेम्बू में पका रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसमें देने के लिए जो है ड्राई फिश वगैरह, वैसे तो पता ही होगा आप लोग हम लोग कैसे सब्जी खाते हैं, ड्राई फिश हमेशा चाहिए होता है हम लोग का। कोई कहता है ज्यादा ड्राई फिश मत खाओ, ड्राई फिश ज्यादा खा के मर जाओगे बोलता है, बचपन से खा रहे हैं एक्चुअली वो। क्या बोलेगा, मम्मी लोगों का, मम्मी पापा का उम्र से खा रहे हैं, उसको जमाने से खा रहे हैं अभी तो। वो हम लोग का मसाला जैसा है। हाँ दादाजी, दादाजी का दादाजी, दादाजी का दादाजी, पूर्वज से वो चलता आ रहा है ना वो। और क्या खाएंगे आज? तो टेरो लीव्स है और क्या। ओ यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे है करेले की साग, एंड यहाँ पे तीनतु बैंगन, और ये खुशबूदार वाला पट्टा मम्मी ने दे दिया है। ये देखो बारिश में जो है टेरो लीव्स खाने से खुजली होता है, तो मम्मी उल्टा करके पका रही है। ये देखो उसका जो क्या बोलेगा उस साइड में दे दिया ऊपर, तो जो मुंह है इसमें दे दिया नीचे पर, तो पानी गिर रहा है। ये देखो अंदर से ना, हाँ वो जो पानी निकलता है टेरो लीव्स से, हाँ वही पानी गिर जाता है। हाँ खुजली तो नहीं होगा, खुजली नहीं होता। हाँ, है अच्छा है वो मेरा दिमाग से। हाँ टेक्निक, मम्मी का टेक्निक बढ़िया है। अभी इसको थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा बेम्बू कहीं जल ना जाए, तो बस इसमें दे देंगे ये खत्ता, एले पाइन एप्पल। खत्ता देने से खुजली नहीं होता है, और फिर भी थोड़ा थोड़ा ये पानी को फेंकना पड़ता है बारिश में, वो टेरो लीव्स खाने से खुजली नहीं तो खुजली हो जाएगा। है दीदी बैंगन का सब्जी को पका रही है, तो ये खुजदर वाला पत्ता थोड़ा सा है उसमें ऐड कर देगी, एंड लास्ट में जो है ये करेले की साग को। और बाहर पर जो है अभी भी हम लोग ये टेरो लीव्स को पका रहे हैं। ये देखो बहुत टाइम लगेगा इसमें, और बारिश देना स्टार्ट हो चुका है। देखो पूरा अंधेरा कर दिया, और हवा इतनी जोर जोर से आ रही है ना, बाप रे खतरनाक है। अभी बेम्बू को जो है मैंने निकाल दिया है, इसमें मैंने दे दिया है ड्राई फिश, एंड अभी देना है मिर्च और नमक। हल्दी नहीं दूंगी, अभी फिर से पकाना पड़ेगा। ये लो, तो बाद में एले पाइन एप्पल को दे देंगे। अभी सीधा करके पकाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ड्राई फिश वगैरह दे दिया, नहीं तो वो ऐसे नीचे करके रखने से वो निकल जाएगा ना। अब इसे पकाना पड़ेगा सीधा करके। और दीदी जो है यहाँ पे एले पाइन एप्पल को कटिंग कर रही है, इसको जो है एकदम पतला पतला करके कटनी पड़ती है। ये देखो थोड़ा, ये हम लोग का जो बुदनी बुदनी कहते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
ये वाला दार होना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है पतला पतला करके इसका शेप में आ जाता है। और यहाँ पे पूरा हम लोग का बेम्बू जो है छें कर रहा है, देखो ना पूरा पानी निकल आ चुका है यहाँ पे हम लोग का चूल्हा पर। कटिंग हो चुका है, अभी इसको जो है दे देती हूँ यहाँ बेम्बू पर, पूरा देना पड़ेगा, खट्टा करके खाना है। आराम से पकेगा, पूरा चें कर रहा है अभी, ये बॉयल हो रहा है, पलटी कर करके अय्या मर गया। और टेरो लिप्स जो है पक के रेडी हो चुका है, तो दीदी जो है यहाँ पे उसको मिक्स कर रही है। ये देखो ये वाला बेम्बू से खुशबू आ रही है, वाओ इतना मजे से खुशबू आ रही है, संभाल के अभी देखते हैं इतना चटनी बन जाएगा ना ये। अभी ये देखिए यहाँ पे टेरो लिप्स भी पूरा मिक्स हो चुका है, वाओ डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होगा। हो गया बेम्बू थोड़ा फट गया ना, ठंडा हो गया था, तो बस ये देखो इतना बढ़िया हो चुका है चटनी रेडी हो गया है हम लोग का टेरो लिप्स का चटनी। तो अभी जो है लास्ट में ये अभी इसको पकाएंगे, तो डिनर करना है सभी को। मम्मी और दीदी जो है यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, मम्मी का तो फिनिश हो चुका है, अभी हम दोनों को लम्बो और मुझे जो है भूख नहीं है, तो हम लोग जो है बाद में डिनर करेंगे। तो अभी तो ये दोनों ने डिनर कर लिया है। कैसा हुआ है टेरो लिप्स? टेस्टी। हाँ अच्छा, तो अभी जो है लम्बो ने अपना वीडियो को जो है एडिटिंग वगैरह भी कर लिया है, अभी मैं अपना फ़ोन को चार्ज कर रही हूँ और उसका फ़ोन से जो है ब्लॉग बना रही हूँ। और उनको मैंने दे दिया है अंडा बनाने के लिए, मेरे लिए एक तो आमलेट बना रहा है, और हम लोग का देवा जो है ग्रूम ग्रूम कर रहा है, यानी कि आसमान पूरा एकदम थंडरस्टॉर्म हो रही है दोस्तों, बारिश तो पूरा ज़ोर से दे रही है। हम लोग का जो घर है ये वाला पत्ता, इसमें उतना आवाज़ सुनाई नहीं देता है, अगर टीना का घर होने से पूरा हम लोग को भी डिस्टर्ब होना था, डिस्टर्ब होना था, वीडियो भी नहीं बना सकना था, इसलिए मैंने जानबूझ के टीना नहीं लगाया। बहुत सारे लोगों ने बोला टीन लगाने के लिए घर पे, इसलिए मैंने पत्ता से बनाया। अच्छा हुआ, बस थोड़ा सा एक तो तकलीफ है धूप देने से, इसमें जो है वो पट्टे से बिसा निकल आता है, खुजली वाला जो खुजली है वो घेरता है, तो कोई बात नहीं है, वो तो मैनेज हो जाता है। तो बचपन से आदत है, हम लोग जो है ऐसे घर में रह रहे हैं बेम्बू का घर पे, अच्छा लगता है, तो ज़्यादा बारिश देने से भी उतना सुनाई नहीं देता, मज़े से सो पाते। अगर टीना लगाते तो बाप रे सोने में भी इतना तकलीफ होना था ना। तो अभी हम दोनों जो है डिनर करेंगे, दीदी और मम्मी ने तो डिनर वगैरह कर लिया है, बस हम दोनों ही है, मुझे तो उतना भूख नहीं है। तुमको भूख है? मुझे तो हमेशा भूख लगते रहता है इसका। और दोस्तों इसका गैस करो, थोड़ा थोड़ा मोटू लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा मोटू लग रहा है। और आज सुबह में जब जिम से आया था उस टाइम पे बोल रहा था कि जेरी मैं 5 किलो बढ़ गया विश्वास ही नहीं हुआ था, कितना दिन हो गया, अभी 3 दिन ऐसा हो गया, 3 दिन में थोड़े ना 5 किलो बढ़ेगा। नहीं थोड़ा, हम बहुत पहले से वेट नहीं किया है ना, पहले बहुत कम था, अभी बढ़ गया तो सच, पहले मेरे से भी कम था इसका, मेरा 57 था, अभी मेरा भी उतना मेरे वो मापा ही नहीं। तो जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, 21 तारीख को जाना है हम दोनों को, 21 तारीख को जाके जो है मैं वेट को जो है वो देखूंगी कितना किलो, अभी तो मैं 60 पार हो जाऊंगी, है ना? हाँ, 60 पार हो जाऊंगी, हो गया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुझे पार कर दूंगा फिर तो देखते हैं चैलेंज। हाँ डिनर भी निकाल दिया है दोस्तों, आज डिनर में क्या है, मेरा पति ने एक तो आमलेट बना दिया है, यहाँ पे बैंगन का सब्जी और यहाँ पे टेरो लिप्स, और ये खा रहा है, इसको टेस्टी लग रहा है, टेरो लिप्स टेस्टी लग रहा है। मेरा जो है थोड़ा सा गला में वो क्या बोलेगा, हिचकिच, हिचकिच नहीं कुजली कुजली टाइप का, वो इसी को तो हिचकिच कहते हैं पता नहीं तो अगर मैं तेरे लिप्स खाऊंगी और भी डबल हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं खा लो। और मेरा उंगली इतना जल रही है ना, बाप रे गाबूची ने पूरा एक तो कान कर दिया मेरा उंगली पे, वो गाव हो गया, छोट हो गया, अभी पूरा वो मिर्च का जो पानी लगने से इतना जलता है, तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई लगेगा मिर्च का दवाई। तो अभी हम दोनों जो है यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, मम्मी लोग जो है अपने अपने रूम पे चले गए हैं सोने के लिए, अभी बस हम दोनों ही हैं, तो मुझे जो है अभी वीडियो को यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा दोस्तों।